हे एवरीवन, जेईई मेन फरवरी, फ्यू डेज टू गो। डोंट वरी, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक ऐसा ब्लंडर, ऐसी मिस्टेक जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करने वाले हैं, लेकिन आपको एज अ एटीपीएन वो मिस्टेक नहीं करनी है। सो मेक श्योर इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, पसंद आए तो हिट द लाइक बटन एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइस देखिए, जब पेपर हम अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं उसमें एक कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं, जो सबसे बड़ा ब्लंडर होता है जिससे आपका बहुत मार्क्स लॉस होते हैं, वो होता है पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस को एक साथ स्कैन करना या नेविगेट करना। जब हम ऑनलाइन पेपर देते हैं और ऑफलाइन देते हैं बहुत डिफरेंस होता है। जब ऑनलाइन पेपर देते हैं तो स्क्रीन पे अगर हम बहुत देर तक नेविगेशन करेंगे तो पहला जो नुकसान होगा वो ये होगा कि बहुत सारा समय हमारा नेविगेशन में ही लग जाएगा। यानी क्वेश्चन सेलेक्ट करने के लिए इतने सारे क्वेश्चंस को एक साथ नेविगेट नहीं करना चाहिए, उससे हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। अगला नुकसान क्या होता है कि भाई अगर हमने 10 से 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन एक साथ देखे, टाइम तो हमारा चला ही गया, लेकिन हम क्वेश्चंस को एक नज़र तो मार ही लेते हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि हम कौन से क्वेश्चन कर पाएं कौन से नहीं कर पाएं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन को एक नज़र मारने से वो क्वेश्चन कई बार टफ लगता है, या हो सकता है ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन आए हों या ऐसे चैप्टर से क्वेश्चन आए हों जिनसे आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो पहले से ही बिना क्वेश्चन सॉल्व किए हमारे दिमाग में डर बैठ जाएगा कि यार आगे कौन से क्वेश्चन है, मेरे से तो वो होंगे नहीं, वो टॉपिक्स तो मुझे आते नहीं। यानी जो क्वेश्चन आपको आते होंगे, शुरू में जो आपको करने होंगे, आपका मोरल कॉन्फिडेंस पहले से ही डाउन हो जाएगा। और जैसा कि आप जानते हो, पेपर सॉल्व करते हुए आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि आप रिलैक्स्ड माइंड से पेपर को अटेम्प्ट कर सको। अगर आप रिलैक्स रहेंगे तभी आप गलतियां अवॉइड करेंगे, सिली मिस्टेक्स आपकी मिनिमम होंगी और आपके मार्क्स बूस्ट हो जाएंगे। और अगली चीज, एक और नुकसान क्या होता है, जो क्वेश्चन हम बाद में देखते हैं चाहे हमें वो आते भी हो, पर हो क्या रहा होगा कि मान लो आप क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट कर रहे हो लेकिन आपके दिमाग में चल रहा होगा 15वां क्वेश्चन कि यार आगे वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे। यानी उससे आपका जो अटमोस्ट फोकस होना चाहिए गिवन पर्टिकुलर क्वेश्चन पे, वो फोकस ना होके आपका फोकस डिवेट हो जाता है, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो डियर स्टूडेंट्स। तो डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना है, सो फोकस ऑन वन क्वेश्चन एट अ टाइम, ठीक है ना। तो बेस्ट भी क्या रहता है, इसका मैं सॉल्यूशन आपको बताता हूँ कि अपने को शुरू में 2-3 क्वेश्चन अपन ने स्कैन किए, 4 क्वेश्चन तक स्कैन किए, उसमें एक क्वेश्चन वो आइडेंटिफाई किया जो मेमोरी बेस्ड है, जो बहुत छोटा क्वेश्चन है, फिर अगले 3-4 क्वेश्चन स्कैन किए और फिर उसके बाद उसमें से एक ईजी क्वेश्चन किया। यानी ईजी क्वेश्चन आइडेंटिफाई करके हमको पहले राउंड में सारे कर लेने चाहिए। जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं होंगे, जो डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, तो सबसे पहले इस तरह के पूरे पेपर में से 10 से 12 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हो बहुत ही जल्दी, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा और आपके मार्क्स बेटर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके गाइस, तो ये जो पर्टिकुलर मास्टर टिप है इसका जरूर ध्यान रखें। एक इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए है एडीबी स्टार की तरफ से, गाइस हमारा एक स्पेशल बैच चालू हो रहा है जिसका नाम है RBC, दैट इज रैंक बूस्टिंग कोर्स 3.0 बैच। 28th ऑफ फरवरी से एनरोलमेंट स्टार्ट हो रहे हैं एंड वो पर्टिकुलर बैच उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो अगले अटेम्प्ट्स में अपनी परसेंटाइल को इंक्रीज करना चाहते हैं एंड खास तौर पे जेई एडवांस में मस्त परफॉर्म करना चाहते हैं और पूरा फोकस अब वो जेई एडवांस पे रखना चाहते हैं। ओके एवरीवन, सो नीचे एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उस गूगल फॉर्म को जरूर फिल करें ताकि 28th ऑफ फरवरी को जब एनरोलमेंट स्टार्ट होंगे सो यू विल गेट अ एक्सक्लूसिव डिस्काउंट कोड। एंड गाइज, ये जो पर्टिकुलर ब्लंडर मैंने बोला है किसी भी ATPN को, ऑल द ATPNs अक्रॉस द नेशन, ये ब्लंडर आपको नहीं करना है और अपने मार्क्स बूस्ट करने हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड शानदार रखना है ताकि जिस समय जिस क्वेश्चन को करो उसको ठीक से पढ़ो, अगर उसको ठीक से पढ़ोगे तो गलती होने के चांस कम हो जाएंगे। यानी ऐसा नहीं होगा कि भाई हम सोच रहे हैं क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट और हमने उसको पढ़ लिया करेक्ट। यानी क्वेश्चन को मिसरीड करने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, और मिसरीड हम क्यों करते हैं, वो हमारा फोकस लूज क्यों होता है, उसका मैंने आपको फंडा बता दिया। तो फोकस आपको लूज नहीं करना है गाइस, बस स्टडी वेल, प्रिपेयर वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट।